संस्कृत अनुवाद किस तरीके से करेंगे, जैसे कि सह पठती तो वह पढ़ता है, सह कलमेन लिखती, कलमेन, कलमेन जो है तृतीया विभक्ति है, ठीक है, प्रथम एक वचन की तृतीया विभक्ति है, तो कलमेन का मतलब होता है कौन सा कारक है, करण कारक। तो करण कारक के अंदर क्या रहेगा कि जिसके जरिए के द्वारा, तो सह कलमेन लिखती ये रहेगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, तौ, ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ती पठता, ये द्विवचन है तो इसके साथ में भी द्विवचन ही लगेगा, तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं। अब इसी तरीके से वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, तो सह तौ ते, वे के लिखो क्या कहेंगे, ते, धावती धावता धावंती, बहुवचन के लिए धावंती, वे दौड़ते हैं, ठीक है, ते धावंती। अब ते की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, अश्वा धावंती, ठीक है, दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। अब इस तरीके से आ सकता है कि घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, तो अश्वा धावंती, अश्वा, तो और दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्व धावता, एक घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती। अब बालक पढ़ता है, बालक पठती, बालक पठती हो जाएगा, बालक पढ़, तुम खेलते हो, तो इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं और इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। तो तुम खेलते हो को क्या कहेंगे हम, तुम खेलते हो, इसको तुम को क्या लिखेंगे, त्वम, त्वम को हम यूं लिख करके और यहां बिंदी भी लगा सकते हैं और या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, यूं त्वम करके यहां भी हलंत लगा सकते हैं। त्वम क्रीडती, त्वम क्रीडती होगा या क्रीडसी होगा, क्या होगा, क्रीडती नहीं रहेगा, क्रीडसी, ठीक है, तुम खेलते हो, तुम दोनों दौड़ते हो, तो इसका हम संस्कृत में तुमको क्या लिखेंगे, युवाम, क्या लिखेंगे, युवाम, युवाम को हम यूं भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, युवाम दौड़ती, दौड़ते हो तो धाव, ठीक है, धाव, धावसी धावथ, तो तुम दोनों के लिए तो युवाम हो गया, धावथ, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। दौड़ते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए क्या है, यूयम, क्या रहेगा, यू य, इसको यूं भी लिख सकते हैं या फिर इसको यूयम। धावसी धावता धावत धा व थ, ये बन जाएगा, तो यूयम धावत। मैं पानी पीता हूं, तो मैं के लिए अहम, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और या फिर ये करके और इसको यूं लिख सकते हैं, हलंत लगेगा, तो जलम, पानी को क्या कहेंगे, जलम, अहम जलम पानी को, अहम जलम पीबामी, अहम के साथ में आमी लगेगा, पी बा मी, मैं पानी पीता हूं, मैं जलम,
ये जलम है, ठीक है। हम जलम पिबामी, हम दोनों गाते हैं, तो हम दोनों के लिए संस्कृत में वयम, अहम आवाम, आवाम शब्द रहता है, ठीक है। अहम आवाम वयम, तो अवाह जो है द्विवचन वाला आवाम, आवाम को हम यूं भी लिख सकते हैं, आवाम गाय गायामी गायावह, तो आवाम गायावह। अगर वो कहता है कि मधुरानी, ठीक है, सुंदर मधुर गीत गाते हैं, हम दोनों मधुर गीत गाते हैं, तो आवाम मधुराणी गीतानी गायावह, ये भी कर सकते हैं। हम सब नाचते हैं, तो हम सब को क्या कहेंगे, वयम। वयम को हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी, वयम, ठीक है। नृत्यामि नृत्यावह नृत्यामह नृत्यामह, ये हम सब नाचते हैं, तो वयम नृत्यामह, हम सब नाचते हैं, ये चीज बनेगा।